कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं। सर आज डेट भी लोकसभा का फाइनल होने हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या रणनीति आपकी, क्योंकि आपके भी एक कैंडिडेट चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, किस तरह की चुनावी रणनीति है आपकी आगामी लोकसभा की? जैसे सबकी है वैसे हम लोगों की है, हम लोगों की तैयारी है। हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लोग विपक्ष में खाता खोलने के लिए लड़ रहे हैं। सर अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का प्रयोग करके हमारी पार्टी को बदनाम कर रही है, डरा धमका रही है और चुनावी चंदा वसूलने का कार्य कर रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो जेल क्यों गए? गए थे प्रजापति जी आज जेल के, जेल में गए हैं आज के, वो तो कई साल से जेल में हैं और माल बरामद हो रहा है। वो जो कह रहे हैं उनकी बात में कोई दम नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो चुनावी बॉन्ड है वो एक महाघोटाला है। अब उनकी नज़र में है, अब हम लोगों की नज़र में तो नहीं है। अच्छा सर, आपके पास एक बड़ा विभाग है अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यक विभाग भी आपके पास है, तो उनके लिए किस तरह का विजन अल्पसंख्यक के आगे काम के लिए, क्योंकि काफ़ी अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो विभाग आपके पास? जो बीजेपी और अल्पसंख्यक के बीच में नफरत की खाई है उसको हम पाटना चाहते हैं और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं हम उनके यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने सिर्फ नफरत मुसलमानों के बीच में भरी है। विकास के लिए आज अल्पसंख्यक विभाग के पास चलने के लिए अधिकारियों के पास गाड़ी नहीं है, ब्लॉक पर कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है और योजनाओं की जानकारी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो विकास की चीज़ें हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए हम लोग लगेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और था, अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है चुनावी चंदे की मार अब की बार भाजपा की हार, इस पर क्या कहना चाहिए? उनसे पूछिएगा वो बताएंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ इस समय मौजूद थे सुभाषपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने यही कहा है कि जैसे सबकी रणनीति उसी तरह आगामी लोकसभा की हमारी भी रणनीति है और अल्पसंख्यक के लिए जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी स्कीमें वो हम चलाएंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए विकास करने का कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय, जनमत न्यूज़, लखनऊ।